खाना से कोई हेल्प नहीं मिला। मेरे बेटी की जहर से मार दिया तो आयो भी बिक गया है, मैंने खाना में सब कोई बिक गया। रो धमकी दे रहा है मेरे बेटे के मारने के लिए, 12 लाख रुपया मुकासी खाना के आयु ले लिया है, हत्या ही कर दिया है। ये जहर खिला के 26/5 की पिताई खिला के ले गए सर। शादी कब हुई थी? 30/4 के शादी हुआ, 26/5/30/4 के शादी हुआ। 30/4 कौन सा साल? 21/2021। 26/5 की हत्या कर दी है 26 दिन में। अभी भेज रहा महिला को दहेज में हत्या लास्ट ईयर कर दिया है उसी दिन में, उसे तब तक का पिछल का नहीं हुआ है। वही जिंदगी आप भी के पास। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। इस दौरान वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। एक महिला फरियादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचकर रोने लगी। उनका कहना था कि उनकी बेटी की शादी 30 अप्रैल 2021 को की गई और 26 दिन बीतने के बाद उनकी बेटी की हत्या कर दी। ससुराल वाले दहेज लोभियों ने उनकी हत्या कर दी और जब इसकी शिकायत लेकर वो थाने में पहुंची तो इसके बदले उन्हें 12 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। परेशान महिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया, आप पूरे वीडियो को देखिए। समस्या है, खाना से कोई हेल्प नहीं मिला। मेरे बेटी की जहर से मार दिया तो आयो भी बिक गया है, मैंने खाना में सब कोई बिक गया। रो धमकी दे रहा है मेरे बेटे के मारने के लिए, 12 लाख रुपया मुकासी खाना के आयु ले लिया है, झांझी ले ली है सर। अभी उसका बाप सस्पेंड नहीं हुआ है लड़का के, अभी ड्यूटी कर रहा है। हत्या ही कर दिया है। ये जहर खिला के 26/5 की पिताई खिला के ले गए सर। शादी कब हुई थी? 30/4 के शादी हुआ, 26/5/30/4 के शादी हुआ। 30/4 कौन सा साल? 21/2021। 26/5 शादी पर उसकी हत्या कर दी है 26 दिन में, 26/5 के साथ। गिरफ्तारी नहीं होती जी, जी? पकाया भी है जी? नहीं, हेल्प हमको मिला एक डीजी साहब से, बाद में जब बताया 2 महीने में बेल दिया दिया था सर। उसके बाप अभी ड्यूटी कर रहा है, उनको न्याय चाहिए सर। मेरा बेटा के जहर खिला रहा है सर। अभी भेज रहा महिला को दहेज में हत्या लास्ट ईयर कर दिया है उसी दिन में, उसे तब तक का पिछल का नहीं हुआ है। वही जिंदगी आप भी के पास पश्चिम चंपारण का मामला। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला की फरियाद सुनते ही तुरंत उन्होंने डीजीपी को फोन लगा दिया। महिला ने बताया कि वह बेटी के न्याय के लिए थानों के चक्कर काट रही थी। इस दौरान न्याय दिलाने के नाम पर पुलिस वालों ने 12 लाख रुपए की मांग की। महिला ने पैसे भी दे दिए लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सुनते ही सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को फोन लगाया और कहा कि एक महिला फरियाद लेकर आई है और उनकी बेटी को 26 दिन के अंदर जहर देकर मार दिया गया। इस मामले को तुरंत देखा जाए और इसको लेकर कड़ी एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि 30 अप्रैल की महिला अपनी बेटी की शादी की थी, जिसके बाद 26 दिन बीतने के बाद ही उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लगातार वो दर दर भटक रही है। 12 लाख रुपए वो पुलिस को भी दे चुकी है लेकिन पुलिस उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया और उल्टे उनसे 12 लाख रुपए भी ऐड लिए गए। लगातार महिला परेशान चल रही थी और आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को फोन लगाकर फटकार लगा दी।
बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।